No. पानी चलाना पड़ेगा। दिवाली के बाद जैसे सबको पता होता है कि विश्वकर्मा डे होता है, जिस दिन लोहे और लोहे से बनी चीजों को सामानों का मशीन गिरी जो होती है उसकी पूजा की जाती है। तो ये है मेरे लिए मेरी बाइक, जो सब जानते हैं रॉयल इनफील्ड लोहे की बनी हुई है पूरी, जो मुझे बहुत ही पसंद है। और ये मेरे बहुत करीब है, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज जब मैं छोटा था, नर्सरी LKG वगैरह में पढ़ता था, तो मेरे फादर के पास दो चीज़ें हुआ करती थी। एक जो बजाज का चेतक हुआ करता था, स्कूटर वो था, एंड दूसरी थी वो राजदूत, जो मुझे आज भी याद है। मेरे फादर भी हुआ करते थे, तो हमें वहाँ घुमाते थे आगे बैठा के, और बहुत ही मज़ा आता था उस टाइम। तो वही सब सोच के मैंने ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 ली थी। इसके साथ यादें भी बहुत जुड़ी हैं, और ये बहुत ही ख़ास है मेरे लिए, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिक बनाती हैं इसको। बेसिकली टूटने से या और चीज़ें ख़राब होने से डर लगता है, क्योंकि भारी बाइक है, किसी को देने में भी डर लगता है कि ये तो टूटेगी ही टूटेगी, ऊपर से बंदा है जो हाथ पैर तोड़ लेगा। इसलिए मैं बहुत ही रेयर चांस होता है कि मैं किसी को ये बाइक दूँ, और वैसे भी मैंने अपने शौक के लिए लिया है, तो मैं इसे देखकर किसी को तोड़वाना नहीं चाहता, बिकॉज ये बहुत ही यूनिक है मेरे लिए। और ये बहुत ही यूँ समझ लो वेट करके मिली थी मुझे, तो मैं इसे ऐसे खोना नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं इसे बहुत ही संभाल के रखता हूँ। इट हैज़ बीन 5 ईयर्स, 2016 में ली थी मैंने, और ये 21 है, तो तब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। बट इसको धोने के बाद है ना, कोई कह नहीं सकता कि ये इसी ईयर की नहीं है, 2020 की नहीं है। वो इसीलिए है बिकॉज़ इसकी इतनी मैं केयर करता हूँ, और दूसरों को दे देकर तोड़वाता नहीं हूँ। अब चाहे कोई अच्छा माने या बुरा माने इस चीज़ को, बट मैं इसे नहीं दे सकता। आज विश्वकर्मा डे है, तो आज इसकी सफाई करूँगा मैं, और सब साफ करके ऑयलिंग वगैरह करके एकदम बढ़िया से तैयार करके रखेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए जो है बहुत ही ख़ास है। और मशीनगिरी की तो वैसे भी आज पूजा की जाती है, इसलिए करेंगे। तो
आई ब्लैक दुकान लेकर आया था मैं। पिज्जा सल्ला है चल है दोबारा चला दी बंद करके आया बीच में युवा करती है I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three.